नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से आज की खबरों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। सीपीएम ने आज आसनसोल रेल पार्क के बालबोधन हाई स्कूल से बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। सियालदह और जयनगर के बीच आसनसोल मंडल पर ठहराव के साथ चलेगी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन। आसनसोल में बारिश ने खोली निकासी व्यवस्था की पोल, कई इलाकों में भरा पानी। पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सचिव मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि सीपीएम पुनर्जीवित हो गई है और इसे देखा जा सकता है। दुल्हे की बस अस्थायी पुल में घुस गई। चार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। रानीगंज से संजीवन गुप्त के अनुसार, रानीगंज दुल्हे की बस अस्थायी रूप से बने पुल में घुस गई। बारात में आए लोग बाल बाल बच गए। टूटे पुल को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। मांग की गई कि तत्काल एक दिन के अंदर अस्थायी पुल बनाया जाए। गबन का आरोप लगाया गया। ऐसी तमाम शिकायतें रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत में बल्लभपुर से नूपुर तक बने पुल के कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो जाने के बाद उठी। लगभग एक माह पहले रानीगंज के बल्लभपुर के उस हिस्से में जल निकासी नहर पर बना एक लंबा प्राचीन पुल भारी यातायात के कारण ढह गया था। पुल की संरचना के कई हिस्से नष्ट हो गए। इसके बाद उस पुल पर दबाव कम करने के लिए उसके बगल में एक अस्थायी पुल बनाया गया। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण शुक्रवार को जब दूल्हे की बस अस्थायी पुल से गुजर रही थी, पुल के अंदर भराई का सामान पानी में बह जाने के कारण पुल कमजोर हो गया और फिर इस बार दूल्हे की बस पुल में जा घुसी। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सिर्फ ड्राइवर और लाइफगार्ड ही हादसे का शिकार हुए। बस को अस्थायी पुल से उठाने के लिए बड़ी क्रेन का इस्तेमाल किया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सचिव मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि सीपीएम पुनर्जीवित हो गई है और इसे देखा जा सकता है। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आसनसोल से अंकित श्रीवास्तव के अनुसार, सीपीएम के अपकार गार्डन कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सीपीएम के मोहम्मद सलीम, राज्य कमेटी सचिव पार्थो मुखर्जी, आभा सराय चौधरी आदि उपस्थित थे। आइए सुने वह क्या कहते हैं। बोलती है कि सीपीएम का अस्तित्व खत्म हो गया बंगाल में, लेकिन अभी उसको रिवाइव कैसे करेंगे आप लोग वापस से? ये पुराना सवाल है, नया सवाल करो। लोग पूरे देश के सर, पूरे देश के और विश्व के पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि रिवाइव हुआ कैसे, कौन सा मैजिक सर? वही मैजिक बता दीजिए। इतिहास से वर्तमान में आओ, तुम्हें देख के नहीं लग रहा है सर? कैंडिडेट लिस्ट देख के नहीं लग रहा है? पूरे बंगाल में पंचायत के चुनाव में किस तरह से बीजेपी भाग गया और सीपीएम के नेतृत्व में वाम मोर्चा किस तरह से लोहा जमाया सर? हमारे कैंडिडेट लिस्ट देखो, बीजेपी का तिरंगा देखो। हाँ,
नए ऊर्जा लेकर, नए ताकत, नई आवाज, प्रवास भरने के लिए आम मोर्चा के प्रत्याशी हैं। और बीजेपी के कैंडिडेट जिसमें तृणमूल का पुराना कबाड़ी वाला दुकान से लिया हुआ माल है और बीजेपी के पास भी पुराना तृणमूल का कबाड़ी वाला दुकान से लिया हुआ माल है, रिसाइकल एलिमेंट है। रिवाइव कैसे होता है? माल मोर्चा का रिवाइव हुआ है और तृणमूल बीजेपी का रिसाइकिल हुआ है। हम बोलते हैं प्लास्टिक का सामान जो रिसाइकिल होता है ना, उससे बच के लौट चमड़े का बीमारी होता है। पुराना बोतल, पुराना बाल्टी ले जा करके फिर से जो खिलौना बनाता है वो बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसलिए बीजेपी और तृणमूल को उससे परहेज करो, उससे चमड़े का नहीं, बाकी सब चीज करो। সমস্ত স্কুলগুলো যখন নষ্ট করছেন, সেটা উর্দু স্কুল ও বাংলা স্কুল, এই আপনাদের স্কুল আমাদের সময় সেখানে সায়েন্স কমার্স চালু হয়েছিল, এখন সায়েন্স এবং কমার্স কিন্তু বন্ধ করা হয়েছে। সিস্টেমেটিক্যালি 10,000 স্কুল বন্ধ করা হচ্ছে। কোন কাজে? আদিবাসী, তপশিলি, সন্তানগুলি, গরিব, প্রান্তিক মানুষ, বাঁধের ধারে, খালের পারে, রেললাইনের পারে, তাদের জঙ্গলের ধারে, সেসব স্কুল তো বন্ধ করা হচ্ছে। এখানে পয়সাতে ডিগ্রি কেনা হবে, তাহলে লড়াইটা হিন্দু মুসলমান মিলে করতে হবে। বিজেপি মাঝখানে এসে বলতো না হিন্দু আলাদা মুসলমান আলাদা, মাদ্রাসা আলাদা, স্কুল আলাদা। আরে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতি হয়েছে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতি হয়েছে, মাঝখানে বিজেপি এসে ওকালতি করছে, সন্দেশখানিক ক্ষেত্রে রেখেছি। যখন তৃণমূলের গুন্ডামের বিরুদ্ধে, জমি দখলের বিরুদ্ধে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা বলছি, তখন বিজেপি কি বলেছিল? ওটা বাংলাদেশি, তার ভাষণ তৃণমূলের গুন্ডা বলতে লাজ্জা করছিল। কেন বলেছিল বাংলাদেশি? কেন বলেছিল রোহিঙ্গিয়া? তারপর এখানকার তৃণমূলরা সাধু, চোরকে আমরা চোর বলি, দাঙ্গাবাজকে দাঙ্গাবাজ বলি, খুনিকে খুনি বলি, ওরা ওটাকে হিন্দু আর মুসলমান বলে, প্রার্থীকে আমরা প্রার্থী বলি, নাগরিককে আমরা নাগরিক বলি, বিজেপি আর তৃণমূল দুজনে ওটাকে হিন্দু মুসলমান হরিজন ব্রাহ্মণ তপশিলি এই লাফালাম যাবে কারণে আন্দোলন করে আছে। ডালে লাফালামি করে আন্দোলন কেন বলছেন? কী আন্দোলন করেছে বিজেপি? যখন নিরাপদ সত্তার সন্দেশখানের এমএলএ হিসেবে এই এই দাবিগুলি করছিল, জমি দখল, জমির মধ্যে নোনা জল ঢোকানো, আমরা ভূমি সংস্কার করে আমরা বলেছিলাম লাঙল যার জমি তা, আমরা বলেছিলাম জাল যার জল তা, তাদেরকে উৎখাত করছিল। তো নিরাপদ সত্তার অ্যাসেম্বলিতে বলেছিল, তখন সোনালি গুহ মমতার ছায়া সঙ্গিনী ডেপুটি স্পিকার ছিলেন, ওনাকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এখন তিনি কে? এখন বিজেপি। তখন শুভেন্দু কোথায় ছিল? তৃণমূলের মন্ত্রী ছিল, এমপি ছিল, তো একটা কথা বলেছে। তা এখন লাফালাফি করছে কেন? লাভ দিয়ে কাছে ওঠে লেজ নেই কিন্তু। ব্রেক কে বাদ আর অধিক খবরো কে লিয়ে বনে রহে হামারে সাথ। স্কুল টিউশন কে লিয়ে কহি অর মত হি জাও, জর্জ একাডেমি জাও, কিউকি জর্জ একাডেমি সিফ টিউশন সেন্টার নহি হ্যায়, ইয়াহ পড়াই হ্যায়, পিকনিক হ্যায়, ফান হ্যায়, অর অ্যানুয়াল ইভেন্টস ভি হ্যায়, অর হাম ইয়াহ বোর নহি হোতে হ্যায়, সাথ সাথ হামারে মার্কস ভি ইমপ্রুভ হো রহে হ্যায়, অর হামারে সারে স্কুল কে টপার্স ভি হ্যায়। ইতনা হি নহি, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। आसनसोल में बारिश ने खोली निकासी व्यवस्था की पोल, कई इलाकों में भरा पानी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। काल बैसाखी की बारिश नहीं, आसनसोल नगर निगम के निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक में इसकी क्या स्थिति है यह कल हुई बारिश ने बता दिया। शहर के हाटन रोड, रेल पार, बंडपुर विभिन्न इलाकों में बारिश के बाद जल विभाव की समस्याएं देखी गई। वहीं इन इलाकों में पार्षद नजर तक नहीं आए। आसनसोल में हुई कुछ देर की बारिश की वजह से आसनसोल में हाटन रोड इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की सी भी बारिश होती है तो 46, 47 और 48 नंबर वार्ड में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चुनाव के दौरान सभी दलों के प्रत्याशी प्रचार के लिए आए थे, यहाँ तक कि मेयर भी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और आश्वासन दे चुके हैं कि जल जमाव की परेशानी से राहत मिलेगी, लेकिन हल्की सी बारिश होती है और पानी जम जाता है। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम अपने वोट से चुनते हैं वह जनप्रतिनिधि आखिर क्या करते हैं कि लोगों को लगातार ऐसी परेशानियों का सामना करते रहना पड़ता है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।
प्रिया कॉस्मेटिक, नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, असनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8 9 1 8 9 4 0 8 6 8। महाराणा प्रताप जयंती पर अखिल भारतीय छत्र सभा आसनसोल शाखा द्वारा रक्तदान शिविर समाचार का यह भाग पर आयोजित है ASP द्वारा। बर्णपुर से बीनू श्रीवास्तव के अनुसार आसनसोल महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय छत्र सभा आसनसोल शाखा की ओर से गुरुवार को बनपुर शिव स्थान परिसर में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने कहा कि बहुत जल्द HLG अस्पताल मोड़ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति समाज की ओर से स्थापित की जाएगी, जिसमें वो 1,00,000 रुपया का अनुदान करेंगे तथा आसनसोल नगर निगम की ओर से उस स्थल का सौंदर्यीकरण पर 35,00,000 रुपया खर्च किया जाएगा। तदुपरांत उन्होंने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्या अर्पण किया। छत्री समाज के अध्यक्ष योगेश सिंह, सचिव गुड्डू सिंह ने भी माल्या अर्पण की। इस रक्तदान शिविर में 20 लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर गोपाल सिंह, संग्राम सिंह, ओम प्रकाश सिंह, निशिकांत सिंह, जय प्रकाश सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, दामोदर सिंह, राजू सिंह, अजय सिंह, सरोज सिंह, सुनील सिंह, चंकी सिंह, रामाधार सिंह, राजन सिंह, नवल सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह, वीर सिंह, शशि सिंह, दामोदर सिंह भी सहित समाज के ढेर सारे लोग उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। बुजुर्ग और दिव्यांगों से वोट लेने से खुश है मतदाता। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। वोटिंग शुरू हो गई है। हालांकि मतदान का दिन 13 मई है, लेकिन मतदान का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल चुनाव आयोग का लक्ष्य एक भी वोट बर्बाद करना नहीं है। कई बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भीड़ के कारण मतदान केंद्रों पर वोट देने नहीं जाते हैं। चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है। वे घर बैठे वोट कर सकते हैं। मतदान कर्मी उनके घर आकर मतदान करेंगे। कांकसा ब्लॉक में मतदान शुरू हो गया है। रेणु बनर्जी 85 साल की है। आज रेणु देवी ने अपने घर में ही मतदान किया। मतदान कर्मी केंद्रीय बल वोट लेने के लिए उनके घर आए। मतदान केंद्र घर पर ही बनाए जाते हैं। पीठासीन पदाधिकारी, केंद्र जवान और अन्य मतदान कर्मी मौजूद थे। वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। एडमिशन्स ओपन नाउ एट सेंट क्रिस्टोफर मिशन स्कूल रन बाय एलुमिनियम सोसाइटी अफिलिएटेड टू CBSE दिल्ली। स्पेशल फीचर्स आर लो अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास, वेल ट्रेन्ड टीचर्स, इंडोर आउटडोर गेम्स, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. सियालदा और जयनगर के बीच आसनसोल मंडल पर ठहराव के साथ चलेगी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल गर्मी के मौसम में यात्रा के प्रति बढ़ती रुचि के कारण अक्सर ट्रेन टिकट प्राप्त करने में
चुनौतियां पैदा होती है। गर्मी के मौसम के दौरान यात्रा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाजनक और आरामदायक परिवहन विकल्प प्रदान करने का प्रयास करता है। अब रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए सियालदह और जयनगर के बीच एक ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 03187 सियालदह जयनगर ग्रीष्मकालीन स्पेशल 11/5/2024 और 29/6/2024 के बीच प्रत्येक शनिवार को 8 यात्राएं सियालदह से 23:55 खुलेगी और अगले दिन 14:25 जयनगर पहुंचेगी। 03188 जयनगर सियालदह ग्रीष्मकालीन स्पेशल 12/5/2024 और 30/6/2024 के बीच प्रत्येक रविवार को 8 यात्राएं जयनगर से 15:25 खुलेगी और अगले दिन 5:15 सियालदह पहुंचेगी। उक्त ट्रेनें यात्रा के दौरान मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आसनसोल मंडल के दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी। इन ट्रेनों में साधारण द्वितीय श्रेणी, सैन्यान श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारे। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। सीपीएम ने आज आसनसोल रेल पार्क के बालबोधन हाई स्कूल से बड़ी रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल से रुद्रा प्रताप के अनुसार इसकी शुरुआत सुबह जल्दी हुई। कॉमरेड पार्थो मुखर्जी, कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर, कॉमरेड एसएन राही, कॉमरेड नजर इमाम अंसारी और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। आम लोग मोहम्मद सलीम से हाथ मिलाते दिखे। वे आसनसोल लोकसभा में जहां आरा खान को जिताने के लिए नारे लगा रहे थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। आसनसोल में गिरा तृणमूल कार्यालय, पहुंचे भाजपा पार्षद। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत धातका रोड मंगल पांडे सेतु के निकट सड़क के किनारे बनाया गया झोपड़ी नुमा तृणमूल कार्यालय कल आए आंधी तूफान के बाद आज सुबह ध्वस्त हो गया। इसकी चपेट में आने से एक साइकिल सवार घायल हो गया। खबर पाकर भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता मौके पर पहुंचे। पार्षद गौरव गुप्ता ने कहा, यहां एक तृणमूल का कार्यालय था जो बारिश के कारण क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। इसके पास से गुजर रहे साइकिल सवार इसकी चपेट में आ गया है। घायल को अस्पताल भेजा गया, मलबे को नगर निगम द्वारा हटाया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। एक महत्वपूर्ण घटना में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत देगा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि विस्तृत आदेश शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। बेंच ने कहा कि शराब नीति का मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था और केजरीवाल को लगभग 1.5 साल बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में है। पहली बार बेंच ने 3 मई को केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार करने की इच्छा दिखाई थी।
एएसजी राजू को नोटिस में रखते हुए बेंच ने कहा था कि अगर सुनवाई में देरी होती है तो वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप प्रमुख के लिए अंतरिम जमानत पर विचार कर सकती है। बाद की तारीखों पर एएसजी तुषार मेहता और एएसजी राजू ने अंतरिम जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत है और चुनाव प्रचार अंतरिम जमानत दिए जाने पर विचार करने का मानदंड नहीं होना चाहिए। हालांकि पीठ ने टिप्पणी की थी कि वह एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के मामले से निपट रही है, न कि किसी अदालत अपराधी के मामले से, और आम चुनाव 5 साल में एक बार ही होते हैं। हालांकि इसने स्पष्ट किया कि यदि वास्तव में अंतरिम रिहाई का निर्देश दिया गया तो केजरीवाल को आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त रूप को दोहराते हुए ईडी ने कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हल्फनामा दायर किया था, जिसमें केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया गया था। पूर्वी रेलवे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, अस्पताल समूह आसनसोल जिला के सदस्यों ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती मनाई गई और विश्व थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। मुख्य अतिथि श्री देवव्रत सरकार, उप परियोजना निदेशक DRDC वर्धमान पश्चिम, डॉक्टर संजीत चटर्जी MOIC आसनसोल ब्लड सेंटर थैलेसीमिया यूनिट ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिला आयुक्त स्काउट और श्री विनोद कुमार सीनियर DEN4 ASN ने भी रक्तदान शिविर का दौरा किया और हमारा अभिवादन किया। आसनसोल ब्लड सेंटर यूनिट द्वारा कुल 38 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। यह कहना होगा कि श्री देवव्रत सरकार सर रक्तदान शिविर के पहले दाता थे। अस्पताल समूह के गार्डन और स्काउट सदस्यों ने भी रक्तदान शिविर के लिए रक्तदान किया। अब अंत में समय है मोमेंट कैसमिस का। एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ वी क्रिएट्स द कैपेसिटी टू रिसीव इट। जो कुछ हमारा है वह सब हमारे पास आता है यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता बना लें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।